नमस्कार मैं एवरीवन, स्वागत है सभी का चैनल में। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ नाग प्रतिष्ठा का। बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे नाग प्रतिष्ठा के, और मैंने भी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स में देखा। जो सद्गुरु के ऑफिशियल चैनल में वीडियोस अपलोड होते हैं, वही वीडियोस अलग अलग चैनल्स में अपलोड हो चुके हैं। बट मेरे ख्याल से काफ़ी कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, जिनके यूट्यूब पे भी चैनल है, और जो नाग प्रतिष्ठा जिन्होंने अटेंड किया होगा और अपने एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करें। सो मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, लेकिन ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियोस में नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी 2 या 3 मिनट की वीडियो चाहिए तो आप गलत जगह आए, आप चले जाएँ, आपको यहाँ पर 2 या 3 मिनट की वीडियो नहीं मिलने वाली है। कम से कम ये वीडियो जो मैं बनाना चाहता था 1 घंटे की होगी वीडियो, परंतु मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स में रिलीज़ करूँगा इसको। तो ये जो पहला पार्ट है 10 से 15 मिनट का ये होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। सो नाग प्रतिष्ठा सदगुरु ने जो करने की बात करी थी वो ईशा योगा सेंटर बेंगलुरु में करी थी, और सबसे पहला जो वहाँ पे एनर्जी फॉर्म कॉन्सिक्रेट होने वाला है, कॉन्सिक्रेट किया गया वो है नागा ही। और नाग को जब हम नाग प्रतिष्ठा के लिए जब हम गए, सो बाकी एंट्री कैसे करी या वहाँ के व्यूज़ कैसे थे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। डायरेक्टली हम टू द पॉइंट बात करेंगे जब सदगुरु एंटर करते हैं। थोड़ा सा मैं फिर भी ओवरव्यू दे दूँगा कि जब हमने एंटर किया, हम लोग जल्दी चले गए थे 11:30 बजे वहाँ पर। फिर हमने जो आदि योगी की जो स्टैचू बन रहा है उसको हमने देखा वहाँ पर, मैंने अपनी प्रैक्टिसेस करी। फिर 2 बजे तक वहाँ पर लंच था, हमने लंच किया, बहुत ही ज़बरदस्त लंच था वो, बहुत ही मस्त लंच था वो, और बहुत इन्जॉय किया मैंने वो लंच। इसके साथ साथ वहाँ का ऑल्दो कोई भी एनर्जी फॉर्म वहाँ पर कॉन्सिक्रेटेड नहीं है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वहाँ का इतना बढ़िया एनवायरनमेंट था, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक ही पर्पज़ के लिए आया है, वो है नाग प्रतिष्ठा के लिए। और मुझे जहाँ भी मैं नज़र घुमा रहा था, हर कोई मुझे कोई ना कोई अपनी प्रैक्टिसेस करता हुआ नज़र आ रहा था, और ज़्यादातर मुझे लोग शून्य करते हुए दिख रहे थे। फिर इसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे तक चैंटिंग करनी थी, जो सदगुरु ने नाग प्रतिष्ठा के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी थी, वो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को प्रिपेयर कर रही थी नाग प्रतिष्ठा के लिए। सो नाग नाग नागेंद्राय करके वो एक चैंट था, वो चैंट हमने 3 बजे से लेकर 4 बजे तक किया। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग हमारे ग्रुप के शिवांगा दव्य ग्रेस के ग्रुप के काफ़ी सारे मेम्बर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो हम सब ने घेरा बनाकर हमने नागा चैंट किया था। हो सके तो मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक वो नागा चैंट हमने किया, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा वो चैंट कभी नहीं कर पाए थे, लेकिन उस दिन 1 घंटे तक मैंने वो चैंट किया, और मेरी आवाज़, मतलब ऐसा लग रहा था कि एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही है, एनर्जी अंदर से आ रही है। सो उसके बाद लिखा हुआ था कि, बताया गया था कि 6 बजे से ऑफिशियली सदगुरु आएंगे और नाग प्रतिष्ठा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, लेकिन सदगुरु 5:30 बजे ही आ गए। और उससे पहले हमें ये बोला गया था आप लोग छाता लेकर आएंगे और रेनकोट वगैरह जो भी आपको लेकर आना है, बारिश होने के चांसेस हैं। तो मैंने पहले भी सुना था बेंगलोर में बारिश होती है, पर जिस तरीके का एनवायरनमेंट था मुझे ऐसा लग रहा था उसको देख के कि बूंदाबांदी होगी, और स्टार्टिंग में बूंदाबांदी हुई थी जब तक सदगुरु नहीं आए थे। तो अब सदगुरु एंटर कर रहे हैं 5:30 बजे ही, ऊपर से मैसेज कोई बोलते हैं कि सदगुरु एंटर कर रहे हैं, सदगुरु एंटर करें, जैसे ही आवाज़ सुनी सदगुरु आ रहे हैं, बारिश होनी स्टार्ट। और ऐसा मैंने कई बार ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका हूँ कि सदगुरु जब पहली बार ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट हो चुका था और कंप्लीशन हो गया था, ध्यान लिंगम की ओपनिंग थी टू द पब्लिक के लिए ओपन कर रहे थे, तो सदगुरु जैसे ही ध्यान लिंगम टेम्पल में एंट्री करते हैं और जो परिक्रमा वाला जो पार्ट है उधर एंटर करते हैं, बारिश होनी स्टार्ट होती है। सदगुरु आ रहे हैं और बारिश होनी स्टार्ट हो रही है, और जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने लिखा था कि समवन इज़ गिविंग ट्रिब्यूट टू सदगुरु। तो सदगुरु उस समय भी जब एंटर करते हैं ध्यान लिंगम के टेम्पल में पहली बार कॉन्सिक्रेशन के बाद, तो बारिश होती है। यहाँ पर भी कॉन्सिक्रेशन के लिए आ रहे हैं, बारिश हो गई। तो मैं ये आपके कानों तक बस ये बात डालना चाहता हूँ कि ऐसा पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है, पर उसके बाद जब सदगुरु आते हैं तो बोलते हैं कि शावर जो है, जब आप गीले हो जाते तो आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी होती है, तो शावर इज़ गुड फॉर यू, ऐसा बोल के मजाक में वो टाल देते हैं। उसके बाद अब सदगुरु जब आते हैं तो उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो आ रहे हैं नाग प्रतिष्ठा के लिए, नाग प्रतिष्ठा में उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो आए हैं
ब्लू कलर के कपड़ों में, ब्लू कलर के कपड़ों में। कैसा ब्लू? इलेक्ट्रिक ब्लू। इलेक्ट्रिक ब्लू जो कलर है आपने देखा होगा, अगर आपने शिव शंकर की फोटो देखी होगी तो जो उनका गला है उसको कहते हैं नीलकंठ। तो नीले कलर का उनका जो कंठ है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर जो है। इलेक्ट्रिक ब्लू कलर किस, और हमारे शरीर में जो चक्रास है इलेक्ट्रिक ब्लू किसको रिप्रेजेंट करेगा? विशुद्धि चक्र को। विशुद्धि चक्र को इलेक्ट्रिक ब्लू करंट से कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो विशुद्धि का कलर ही इलेक्ट्रिक ब्लू होता है। तो सदगुरु ब्लू कलर में ही आए हैं। फिर अगर आप एक और चीज़ देखेंगे कि जो सांप होते हैं, नागा नाग होता है, वो आदि योगी के गले पर है। मतलब विशुद्धि चक्र और सांप का, कोबरा का रिलेशन है। तो सदगुरु नाग प्रतिष्ठा के लिए आए हैं, पूरा एनवायरनमेंट अपने आप को वैसा ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ब्लू कलर में है वो, ब्लू कलर के वो कपड़े पहनकर आए हैं। इसके अलावा बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूंगा ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी रुचि जागे और आप नेक्स्ट पार्ट्स के लिए रेडी रहें और नेक्स्ट पार्ट्स का इंतज़ार करें, क्योंकि इस समय जहां पर मैं हूं यहां पर वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और आश्रम के अंदर तो हम ऑलरेडी वीडियो नहीं बना सकते हैं, आश्रम के बाहर आए आदियोगी के पास यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो बाकी वीडियोस मैं थोड़े समय के बाद अपलोड करूंगा। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मैंने कॉन्सेंट्रेशन पहली बार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, और इतनी डिटेल में मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं, इतनी डिटेल में चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सदगुरु की एक एक बात मुझे ऐसा लग रहा था जो बोल रहे थे वो वहाँ से ट्रांसमिट होकर मेरे अंदर बैठ रही थी। सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और अगर कुछ चीज़ें मैं भूला भी हूँ तो मैं उनको वापस से रिकॉल करके नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।